हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम 10 3π/4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पाई के जगह पाई की हमारी क्या वैल्यू होती है 180 डिग्री यहाँ पर पाई के जगह पुट करूँगा। ओके, तो हमारे पास क्या होगा 10 3π की क्या वैल्यू है 180 डिग्री डिवाइड बाय 4। ओके, 4 से ये 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 10 135 डिग्री। ओके, 10 135 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, देखिए मैंने इसको ऐसे इसलिए लिखा है, अगर पूरे चार्ट पर हम 135 डिग्री की वैल्यू देखें 10 135 डिग्री की तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि -1 है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं 135 डिग्री की सिर्फ 90 तक टेबल यूज कर तो हम यहाँ से फिर ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे मैं 135 डिग्री को मैंने ब्रेक किया है 90 डिग्री प्लस 45 में। ओके, अभी मैं 10 को साइन और कोस में चेंज कर लेता हूँ तो ये 10 हमारा क्या हो जाएगा, 10 होता है हमारा साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री और डिवाइड में कोस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, तो अभी मैं दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज करूँगा। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूले, पहला है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ये क्या होता है, साइन एक्स कोस वाई फिर प्लस कोस एक्स साइन वाई। ओके, दूसरा है फॉर्मूला कोस एक्स प्लस वाई का, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कोस एक्स कोस y और माइनस साइन x साइन y। ओके, तो हम यहाँ पर इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे और देखिए साथ में यहाँ पर मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ। साइन 90 डिग्री की हमारी क्या वैल्यू होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ओके, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। इसी प्रकार साइन 45 डिग्री क्या वैल्यू होती है 1/√2। ओके, तो इन वैल्यूज का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो देखिए ये पहले हम ये दोनों फॉर्मूला का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर x की जगह क्या है 90 डिग्री और y की जगह क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ पर मैं पहला फॉर्मूला यूज कराऊँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ओके, इसके डिवाइड में देखिए, डिवाइड में यहाँ पर क्या है कोस 90 डिग्री प्लस 45, यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला, ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री और फिर माइनस साइन 90 डिग्री और साइन 45 डिग्री। ओके, तो ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए। अभी हम साइन 90 डिग्री की हमारी क्या वैल्यू होती है 1। ओके, तो इनकी वैल्यू रख देते हैं, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 इंटू में कोस 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1/√2 और फिर प्लस में कोस 90 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ओके, इसके डिवाइड में देखिए, डिवाइड में यहाँ पर कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 और मल्टीप्लाई में कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ओके, और फिर माइनस साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 और कोस 45 साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू 1/√2। ओके, ये 0 है तो ये 0 हो जाएगा
यहाँ पर जीरो के साथ मल्टीप्लाई है, ये भी हमारा जीरो हो गया, तो यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है, वन की मल्टीप्लाई वन बाई अंडरूट टू के साथ करेंगे तो वन बाई अंडरूट टू, और माइनस का यहाँ पर डिवाइड में क्या बच, ये तो हमारा जीरो हो गया, यहाँ पर माइनस का वन बाई अंडरूट टू। ओके, ये वन बाई अंडरूट टू से वन बाई अंडरूट टू कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये आगे लिख सकता हूँ मैं, तो हमारा क्या बच रहा है यहाँ पर माइनस का वन। ओके, तो हमें टेन थ्री पाई बाय फोर की क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस वन। ओके, तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया टेन थ्री पाई बाय फोर की। ओके,